सर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है. आखिरी संदेश था ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका. पूरा फॉरेस्ट लगभग कवर कर लिया है. यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है. ऐसी जगह पे कोई धमाका करेगा क्यों? मगर अभिजीत, उन मुजरिमों ने जो जो संदेश भेजा है उसे अंजाम तक पहुंचाया है. मुझे लगता है कि ये धमाका भी जरूर करेगा. एक बार ये आई गैंग का कोई आदमी जिंदा हाथ लग जाए फिर इसका नामो निशान मिटा देंगे. तो वो देखिए, वो खंडर जैसी जगह, शायद बॉम्ब वहीं प्लांट किया हो. लगता है यहाँ पर काफी दिनों से कोई आया नहीं है. पंकज, जरा वो बॉम्ब डिटेक्टर लेकर आओ. अगर यहाँ पे बॉम्ब बनाया है तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो मिलेगा ही. बारूद के तो ट्रेसेस नहीं दिखा रहा है. अरे यार, पूरा जंगल छान मारा, बॉम्ब का कहीं अता पता चली नहीं ना. सर, कहीं वो मैसेज पढ़ने में हमसे गलती तो नहीं हो गई? नहीं पंकज, उस मैसेज को हमने सही डिकोड किया है. धमाका तो यहाँ इसी जंगल में होगा. आसपास देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई धमाका हुआ. एसीपी साहब को यहाँ की लोकेशन भेज दो. सर, सर फोन बंद है. सर, ये मॉनिटर भी बंद है. ओह नो, मेरा फोन भी बंद है. फोन बंद है, बम डिटेक्टर बंद है, ये सब एक साथ बंद हो गए. ये कोई संयोग नहीं हो सकता. गाड़ी के पास चलते हैं. नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट भी चल नहीं रही है. कमाल है, एक साथ सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद हो गए. ये चक्कर क्या है? सर, ये क्या वजह हो सकती is dead.
कहीं इस आदमी ने उसकी तरह अपनी जान तो नहीं ले ली? नहीं पंकज, इसके पेट पे दो गोली लगी है और ये छाती में एक। ये खुदकुशी तो नहीं है, मर्डर ही है। तो बेचारा उन लोगों से बच के भाग रहा होगा, दो गोली मारी पीठ पे और जब गिर गया तो सामने आके एक गोली सीने पे। आई गैंग का कोई खुलासा करने वाला होगा ये, इसलिए इसकी भी जान ले ली। चीखने की आवाज तो अभी अभी आई थी ना, देखो जरा आसपास, देखते हैं क्या बोलो। ना कोई पर्स है ना कोई आईडी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है? रघुवीर, साइंटिस्ट रघुवीर। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर लापता हैं। आज सुबह वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लेकिन घर पर वापस नहीं लौटे। 6 महीने पहले किडनैप हुआ था ये आदमी, आज मिला तो इस हालत में। या हाथ में और पैर पे रस्सी का निशान है। सर ये देखिए, ये पेड़ पे बुलेट्स हैं। यहाँ पर इधर से बुलेट चली है, मतलब रघुवीर जी उधर से भाग के आ रहे होंगे। सर से भाग के आ रहे थे तो वहीं कहीं बांध के रखा होगा उन्हें। चलो देखते हैं उधर। अभिजीत ये देखो, ये दो अलग अलग निशान है, ये जूतों के और ये पैरों के निशान। ये जो नंगे पैर निशान है ये तो शायद रघुवीर जी के होंगे। और जूतों के मुजरिम के होंगे सर? नहीं, मुजरिम का निशान या तो आगे होना चाहिए या थोड़ा पीछे, ये दोनों निशान एक साथ। इसका मतलब रघुवीर जी के साथ कोई और आदमी भी था जिसे आई गैंग ने बंदी बना के रखा हुआ था। रघुवीर जी और ये दूसरा आदमी साथ में यहाँ से भाग निकले होंगे। सर सर पता नहीं दूसरा आदमी कहाँ होगा, बच गया होगा या फिर आई गैंग वालों ने उसे फिर से पकड़ लिया। चलो उस तरफ चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.